फतेहपुर जिले के सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने पत्रकारों द्वारा चिन्मय आनंद के बारे में किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। वहीं उन्होंने समाज के आह्वान करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। वहीं उन्होंने मायावती कार्यालय को याद दिलाते हुए कहा कि बांदा में हुए रेप की घटना में पीड़िता को ही खुद जेल भेज दिया गया था। हमारी सरकार अपना काम सही तरीके से कर रही है। हाँ, इतना जरूर किया गया था, जो पत्थरबाज थे उनको बंद किया गया था और उनको भी छोड़ दिया गया, उनके परिवारों को सुपुर्द करके शर्त के आधार पर। दूसरा, वहां एक और दिक्कत थी, पहले भारत के जो भी कानून थे, चाहे एसटी एक्ट हो, महिलाओं का एक्ट हो, आरक्षण का हो, ये कोई सुविधा वहां लागू नहीं थी। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 धारा खत्म होने से राहत मिली है, तीन परिवारों का नुकसान हुआ है सिर्फ, और वही तीन परिवार परेशान है उस एक्ट के खत्म होने पर। 370 धारा और 35A के खत्म होने के बाद आज बिल्कुल सामान्य स्थिति है, स्कूल भी खुले हैं, टेलीफोन भी काम कर रहे हैं। इसके लिए योग्यता के अनुसार इस तरह की घटना कहीं भी होती है, हमारी सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करती है। इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, और होती हैं तो कहीं ना कहीं समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज में भी जन जागरण होना चाहिए। कानून अपना काम करता है, समाज के अंदर भी जन जागरण की आवश्यकता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है। शायद मुझे याद है मायावती के समय का कार्यकाल, हमें याद है बांदा के अंदर जिस तरह से हुआ था। शाही जी आज आने वाले थे, वो स्वयं गए थे, स्मृति ईरानी गई थी, सीलू का कांड जो हुआ था, बलात्कार की पीड़िता को ही जेल में बंद कर दिया गया था। वो लोग तो कहने के अधिकारी नहीं है, सरकार काम कर रही है, कहीं भी कोई ऐसी घटना आती है उनको तत्काल कानूनी के दायरे में ला करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है।